हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यस वीकेंड में। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो आगे हम देखते हैं, इस वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन में लगभग 18 वीडियो आ चुके हैं। 18 वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल यस वीकेंड IAS NCERT PSC में जाके वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, पुनर्जागरण, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, ये हम खत्म कर चुके हैं। 8th चैप्टर जो था रूसी क्रांति, वो भी खत्म हो चुका है, फासीवाद, नाजीवाद, और द्वितीय विश्व युद्ध का 10.1 जो था वो भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें विश्व युद्ध से पहले की घटनाओं का मैंने उल्लेख किया है, लोकार्नो की संधि के बारे में, और जो वैश्विक आर्थिक मंदी 1929 थी उसके बारे में मैंने वहाँ बताया है। आज हम देखने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कि क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या इसके कारण थे और क्या क्या इसके परिणाम निकले, और कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए थे, किस तरीके से शामिल हुए वो हम देखेंगे। 1949 की चीन की क्रांति, इसके बाद पढ़ने वाले हम। इसके बाद शीत युद्ध, शीत युद्ध के बाद साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, और अंत में सोवियत संघ का विघटन करने के बाद फिर हम इस पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेक्शन को ख़त्म करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार टू, जो 1939 से 45 तक चला था, जिसका अंत हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम वर्षा के बाद। ये एकमात्र घटना है अभी तक के इतिहास में जहां पर परमाणु बम का उपयोग किया गया था, हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को। इन दो परमाणु बम के बाद ये विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हो गया था। जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था और धुरी राष्ट्र हार गए थे, मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। आगे देखते हैं, सबसे पहले मेरे बारे में। चंद्र प्रकाश पात्र, दिस मैन स्टूडेंट एस्पिरेंट ट्राइंग टू बी अ गाइड, करंटली वर्किंग एज अ CEO। बाकी सब यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरी FBI ID है। आगे देखें, सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध है क्या। तो द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चलने वाला एक विश्व स्तरीय युद्ध है, जिसमें लगभग लगभग जो पूरा विश्व शामिल हो गया था और इसमें अपनी पूरी क्षमता का, पूरी सैन्य क्षमता, वैज्ञानिक क्षमता और हर प्रकार की जो क्षमता थी वो सब क्षमताओं का इसमें यूज़ किया गया था। इसमें लगभग 70 देशों की जो जल सेनाएँ, वायुसेना और थल सेनाएँ जो है वो इसमें शामिल हुई थी, तीनों प्रकार की सेना शामिल हुई। इसमें पूरा विश्व दो भाग में बट गया, एक मित्र राष्ट्र जिसका जो नेतृत्व था वो ब्रिटेन कर रहा था, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस ये सब कर रहे थे, और जो धुरी राष्ट्र थे वो जर्मनी, इटली और जापान, ये जो है उनका नेतृत्व कर रहे थे। इस महायुद्ध में लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों की जान गई। इसी में आपको होलोकास्ट की घटना भी देखने को मिलेगी, जिसमें लोगों को बंद करके, स्पेशली यहूदी जो लोग थे, ये जर्मनी में की घटना है, इसमें क्या किया था, इनको बंद करके इनको रासायनिक गैस देके मार दिया गया था। तो होलोकास्ट की घटना इसी में हुई थी। साथ में परमाणु हथियारों का एकमात्र इस्तेमाल भी इसी युद्ध के अंत में हुआ, और इसके बाद फिर जो मित्र राष्ट्र थे वो जीत गए थे। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो 1 सितंबर 1939 से मानी जाती है। तो ये कब से माना जाता है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हालांकि इसका जो एक और साथी था जापान, उसने चीन पर 1937 पे ही आक्रमण कर दिया था और चीन के साथ 1937 से ही युद्ध में शामिल था, लेकिन तब से द्वितीय विश्व युद्ध नहीं माना जाता। विश्व युद्ध जो है वो जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत था वो अमेरिका के द्वारा जापान के दो नगर हिरोशिमा और नागासाकी जो था वहाँ पर परमाणु बम गिराने के बाद 1945 में परमाणु बम गिराया गया, तब से इसकी समाप्ति मानी जाती है। आगे देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो किन कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये देखें। तो सबसे पहले वर्साय की अपमानजनक संधि थी। वर्साय की संधि के माध्यम से क्या किया गया था, इसका जो जर्मनी था, जर्मनी को पूरी तरह से तबाह करने का प्रयास किया गया था, और ये एक आरोपित और विश्वासघाती संधि थी। ये मैंने डिटेल में इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था, और आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि का एक स्पेशल वीडियो भी मिल जाएगा, वहाँ आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। तानाशाही शक्तियों का उदय इसी बीच क्या हुआ, क्योंकि लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली थी वो सफल नहीं हो पाई, वर्साय की अपमानजनक संधि, ये सब के परिणामों के कारण और साम्यवाद के भय के कारण इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाहों का उदय हुआ। ऐसे ही स्पेन में फ्रेंको और अलग अलग देशों में तानाशाही शक्तियों का उदय होने लगा। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, तो 1931 में जापान ने क्या कर दिया, अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए मंचूरिया, जो कि चीन का हिस्सा है, वहाँ पर आक्रमण कर दिया। इसी प्रकार 1935 में इटली ने यूथोपिया पे आक्रमण कर दिया, इटोपिया पे। 1935 में जर्मनी ने राइनलैंड पे और 1938 में ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया। स्पेन में जब गृह युद्ध हुआ तो हिटलर और मुसोलिनी ने जनरल फ्रेंको को सैन्य सहायता पहुँचाई और उसको फिर स्पेन की गद्दी दिलाई। तो इस तरीके से साम्राज्यवादी प्रवृत्ति जो है वो यूरोप में बढ़ने लगी और ये जो देश थे अपने क्षेत्रों को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। यूरोपीय गुटबंदी,
धुरी राष्ट्र जो थे ये इसके सदस्य कौन थे, स्पेशली जर्मनी, इटली और जापान, ये इनका त्रिकुट बन गया। और ऐसे ही इनके विरुद्ध जो खड़े हुए वो लोग थे फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, और बाद में सोवियत संघ भी। तो फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ का एक गुट बना जो मित्र राष्ट्र कहलाया, और जर्मनी, इटली, जापान जो है उनका एक गुट बना जो धुरी राष्ट्र कहलाया। तो ये जो यूरोपीय गुटबंदी है इससे अविश्वास का माहौल बनने लगा, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो युद्ध था वो वैश्विक स्तर का युद्ध बन गया। सैन्यकरण और हथियारबंदी की होड़, तो 1932 में जो जिनेवा का निशस्त्रीकरण सम्मेलन था वो असफल हो गया। फ्रांस ने अपनी सीमा पर मैगिनो लाइन, और इसी के जवाब में फिर जर्मनी ने अपनी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए सीजफ्रेड लाइन बनाई। तो एक्चुअल में फ्रांस को जर्मनी से खतरा था, तो उसने अपने सीमा सुरक्षा के लिए मैगिनो लाइन बनाया और थल सेना को पूरी तरह से वहाँ अलर्ट कर दिया, सुरक्षा के लिए क्या कर दिया, एक पूरा सा किलेबंदी जैसा कर दिया। उसके जवाब में जर्मनी ने अपने पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए सीजफ्रेड लाइन बनाई, और इस तरीके से एक जो तनाव है वो बढ़ने लगा। विश्व आर्थिक मंदी का इफेक्ट पड़ेगा इस पे, तो वो कैसे पड़ा, गणतंत्र जो शासन थी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो वाइमर गणतंत्र जर्मनी में और इटली में भी ऐसी जो गणतंत्र है, ये सब क्या हो गए, असफल हो गए। क्यों असफल हो गए, क्योंकि द्वितीय युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खस्ता हाल हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, और बेरोजगारी के कारण क्या है, यहाँ धीरे धीरे जनता में आक्रोश बढ़ने लगा। तो इन सब कारणों से जब ये लोकतंत्र असफल हो गया, तो तानाशाही जो शासन प्रणाली थी उसको लोगों ने स्वीकृति दे दी, और इसी कारण से हिटलर, मुसोलिनी जैसे तानाशाह थे वह उनका उदय हुआ, और इन्होंने आर्थिक स्थिति सुधारने और बेरोजगारों को सेना में नौकरी देने के लिए क्या माना, युद्ध में जो है उसको आवश्यक माना। क्यों, क्योंकि इनको आर्थिक स्थिति सुधारना था। आर्थिक स्थिति सुधारने का एक तरीका या तो अपने देश से उत्पादन कर लो, और अगर नहीं हो रहा है तो अगर ए देश है तो वो बी देश पे हमला करके कब्जा कर ले, एक क्षेत्र कुछ कब्जे कर लेगा तो उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, उसका आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा, एक तरीका ये। और दूसरा, जब युद्ध होगा तो सेना में बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। तो इन सब कारणों से लोगों ने इनका समर्थन किया, और ये युद्ध को क्या है, आवश्यक मानते थे। इनका मानना था कि जो शांति है वो शांति कुछ नहीं होता, शांति केवल युद्ध विराम है, और जो मनुष्य है वो हमेशा लड़ते रहता है, युद्ध करते रहता है, जीतते रहता है, और युद्ध करने से उसमें सृजनशीलता आती है, ऐसा इनका मानना था, मुसोलिनी और हिटलर का। अब देखते हैं जर्मनी की वो क्षेत्र जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उससे छीन लिए गए थे। तो आपको यहाँ देख के समझ में आएगा कि जर्मनी के साथ जो वर्साय की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वो किस तरीके से जर्मनी को उसने उकसाया कि वो द्वितीय विश्व युद्ध को लेके आए या द्वितीय विश्व युद्ध करे। तो आपको ये जो रेड कलर में लिखा हुआ फिनलैंड दिख रहा है, तो ये जितने रेड कलर के कंट्रीज दिख रहे हैं वो कंट्रीज थे जिनको जर्मनी और अन्य जो देश हैं उनसे छीन के क्या किया गया था, एक पृथक देश बनाया गया था। तो आपका ये जो सोवियत संघ था वो उस समय किसके साथ शामिल हुआ था, वो धुरी राष्ट्रों के साथ शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। तो वहाँ से काट के फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सब बनाया गया। ऐसे ही जर्मनी का कुछ हिस्सा पोलैंड को दिया गया, फिर ये चेकोस्लोवाकिया जो बना ये एक देश बना, हंगरी एक देश बना, और ऑस्ट्रिया एक देश बना। ठीक है, तो ये अलग अलग छोटे छोटे देशों में इनके टुकड़े किए गए, क्योंकि ये सब जो थे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से, धुरी राष्ट्रों की ओर से शामिल हुए थे। ऑस्ट्रिया भी शामिल हुआ था, जर्मनी भी शामिल हुआ था, और रूस भी शामिल हुआ था। हालांकि रूस ने 1917 में क्या कर दिया था, विड्रॉ कर लिया था, लेकिन उसके भी बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर लिया गया, ले लिया गया, और अलग अलग कुछ देशों को स्वतंत्र कर दिया, कुछ देशों को जो मित्र राष्ट्र उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से ये अलग अलग देश बनेंगे। आपको ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये रेड कलर की जो लाइन है ये नए देशों की बाउंड्री है, न्यू बॉर्डर्स है। जो आपको सॉफ्ट ग्रीन दिख रहा है ये की कंट्रीज, विनर्स कंट्रीज है, ये आपका फ्रांस, यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, ये सब जो है ये विनर्स कंट्रीज थे। और ये जो आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है ये आपका फॉर्मर रशियन एम्पायर है। तो ये रशियन एम्पायर का हिस्सा था, उसने यहाँ हिस्सा लिया था, लेकिन 1917 में उसने विड्रॉ कर लिया संधि करके, और संधि के माध्यम से इसके कुछ देश फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सब उसको खोने पड़े थे। पोलैंड भी इसी में से कटा हुआ था। जो डिफिटेड सेनाएं थी, जैसे कि जर्मनी का आपका ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है, ग्रीनिश ग्रे दिख रहा है, तो ये जर्मनी का संघ था। ये जर्मनी के भी कुछ हिस्से पोलैंड को दिए गए, और इसी कारण विवाद होगा कि जर्मनी का कुछ हिस्सा या जर्मनी के बीच से होते हुए पोलैंड को क्या दिया गया, डांजिंग बंदरगाह तक जाने के लिए एक गलियारा दिया गया, और इसी कारण से जर्मनी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध करेगा। ये आपको यहाँ जर्मनी दिखेगा और ये पूरा सेक्शन जर्मनी दिखेगा, और पोलैंड को इस जर्मनी के बीच से क्या दिया गया था, गलियारा दिया गया था, ताकि वो समुद्र तक क्या कर पाए, आवाजाही कर सके। तो ये अपमानजनक संधि मानता था हिटलर और जर्मनी के लोग।
ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये जो आपको सॉफ्ट ग्रीन में दूसरा सेक्शन दिख रहा है ये वाला, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला सेक्शन है। और ये आपको ये जो ब्राउनिश कलर में दिख रहा है ये आपका ऑटोमन साम्राज्य है, जो तुर्की, सीरिया, लेबनान, इराक, ये वाला जो एरिया था वो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी का जो बहुत सारा क्षेत्र है वो छीन लिया गया। ऐसे ही जर्मनी के जो साथी थे, जैसे कि आपका ऑस्ट्रिया है, उसके क्षेत्र को छीन के कुछ देशों को स्वतंत्र कर दिया गया, कुछ देशों को राष्ट्रसंघ के नेतृत्व में ले आया गया, और कुछ देश जो है रशिया के वो भी छीन लिए गए। तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो टुकड़ों में तोड़ा गया, जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ये आपको जो येलो कलर में दिखेगा, येलो स्टार में, ये फ्री सिटीज थी, कुछ सिटीज को फ्री छोड़ा गया था। और ये जो आपको रेड डॉट में दिख रहा है ये है एरिया सबसे सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम, ये यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था, जैसे स्लेस्विग है और आपका यूपेन मालमेडी है, ये सारलैंड है, ये सब क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया गया था। जैसे सारलैंड है, सारलैंड में फ्रांस का आधिपत्य स्वीकार किया गया था और उसको 15 साल के बाद जनमत संग्रह करा के उसको वापस देने की बात की गई थी। सारलैंड जो था ये कोयला संपन्न क्षेत्र था, जर्मनी का क्षेत्र था, और उसमें ये शर्त रखी गई कि सारलैंड कब वापस दिया जाएगा, जब जर्मनी उसको फ्रांस से खरीदेगा उसके कोयला के खानों को तब। तो ये सब कुछ कुछ क्षेत्र थे जिनको क्या कर दिया गया था, रेफरेंडम के लिए छोड़ दिया गया था। और रेफरेंडम बाद में कब होता, 10 से 15 साल बाद रेफरेंडम होता। तो इस तरीके से ये पूरा जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की स्थिति ये थी। और इन्हीं कारणों से, क्योंकि जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक तो आरोपित संधि थी, उसको बुलाया ही नहीं गया था और बहुत परेशान किया गया था, इसलिए वहाँ के लोग धीरे धीरे उग्र होने लगे और हिटलर ने उसका फ़ायदा उठा के तानाशाही सत्ता स्थापित की और अंत में द्वितीय विश्व की ओर पूरे विश्व को ले गया। आगे देखें अन्य कारणों में तुष्टिकरण की नीति। तो धुरी राष्ट्र जो थे वो साम्यवाद के विरोधी थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान, ये सब। यहाँ पर अब क्या हो रहा था, स्पेन, ये सब में तानाशाही सत्ता स्थापित होने जा रही थी। तो तानाशाही जो लोग थे, हिटलर था, आपका मुसोलिनी था, फ्रेंको था, ये सब क्या कर रहे थे, इन्होंने साम्यवाद का विरोध करके ही सत्ता हथियाई थी। तो ये साम्यवाद का विरोध कर रहे थे। तो इस साम्यवाद का विरोध करने के कारण जो इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब जो पूंजीवादी देश थे वो क्या कर रहे थे, इनको साहस दे रहे थे, हाँ अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, इस टाइप को। शुरू में इन्होंने विरोध नहीं किया कि आप तानाशाही स्थापित कर रहे हो, उनको लगा कि हाँ ये तो साम्यवाद के विरोधी हैं, मतलब हमारे दोस्त हैं। तो इस तरीके से इन्होंने शुरू में इन विशेष ध्यान नहीं दिया और इस कारण से फासीवादियों के हौसले बढ़ते गए और धीरे धीरे फिर अन्य देशों में फिर कब्जा करना चालू कर देंगे। तो शुरू में ब्रिटेन, फ्रांस की जो तुष्टिकरण की नीति है वो भी बाद में इसका एक कारण बनेगी। म्यूनिक का समझौता हो जाता है इसी बीच में 1938 में। हिटलर ने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया का जो समृद्ध क्षेत्र था स्विट्जरलैंड, उसकी मांग किया और मांग करके बोला कि या तो वो आप हमको दे दो, नहीं तो फिर हम चेकोस्लोवाकिया में क्या करेंगे, आक्रमण करके उसको छीन लेंगे। तो इस मांग को ब्रिटेन और फ्रांस ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद इससे हिटलर का मनोबल और बढ़ गया और उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। इसी के बाद फिर आगे सामूहिक कार्यवाही और जन मोर्चा जो एक बना था वो बेसिकली धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध क्या है, कार्यवाही के लिए बना था। ये सोवियत संघ और अन्य राष्ट्रों ने सामूहिक कार्यवाही की योजना बनाई थी, जिसमें फ्रांस में ये जन मोर्चा सफल रहा लेकिन अन्य राष्ट्रों में विफल हो गया, इसलिए इनको रोक नहीं पाए। राष्ट्रसंघ की विफलता भी एक प्रमुख कारण था। राष्ट्रसंघ की स्वयं की कोई निजी सेना नहीं थी, इसलिए कोई नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाया। साथ ही साथ इसमें बड़े राष्ट्रों का दबाव भी था और इस कारण से जर्मनी, इटली, जापान, ये सब पे कोई भी कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। छोटे राष्ट्रों का विश्वास उठते जा रहा था, क्योंकि छोटे राष्ट्र पे ये जो बड़े बड़े राष्ट्र थे, जर्मनी, जापान, इटली, ये सब आक्रमण करते थे और इसका कोई विरोध भी नहीं होता था। तो इन कारण से छोटे राष्ट्र थे वो, उनका राष्ट्रसंघ से विश्वास उठने लगा। इस कारण से धीरे धीरे ये असफल हो गया, लोग इसकी सुनने नहीं लगे। तत्कालिक कारण अगर हम देखें तो अप्रैल 1939 में हिटलर ने क्या कर दिया था, अप्रैल नहीं है ये, सितंबर है, हाँ अप्रैल में इसने मांग की थी। अप्रैल 1939 में हिटलर ने पोलैंड से डोंजिंग बंदरगाह जो है और पोलिश गलियारा, ये जो दो गलियारा था, इसको इसने वापस करने की मांग की, क्योंकि इसको प्रथम विश्व युद्ध के बाद छीन लिया गया था। तो इसको वापस देने की मांग की। पोलैंड ने इंग्लैंड और फ्रांस के साथ इसी बीच में रक्षा संधि कर ली, उसने नहीं माना इस मांग को और फ्रांस और इंग्लैंड के साथ रक्षा संधि किया और इस कारण से हिटलर जो था वो क्रुद्ध हुआ और 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध क्या कर दिया, आक्रमण या युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरीके से जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी औपचारिक शुरुआत 1 सितंबर 1939 से हो जाती है। आगे देखें, आपको ये जो मैप दिख रहा है ये मैप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP,
के बारे में है। उस समय 1939 में जो बड़े देश थे, मेजर कंट्रीज थे जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके जीडीपी का साइज़ क्या था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ग्रीन कलर जो है वो अलाइड पावर्स का है और जो आपका रेड कलर है वो एक्सिस पावर्स का है, धुरी राष्ट्रों का है। जो ग्रीन कलर है वो आपका मित्र राष्ट्रों का है। तो आपको देखने को मिलेगा ये आपका जर्मनी, इटली और जापान, ये प्रमुख जो धुरी राष्ट्र थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे धुरी राष्ट्रों का। इनका जीडीपी का साइज़ इतना है और यूएसए जिसका जीडीपी का साइज़ बहुत ज़्यादा है, और इसके बाद फिर यूएसएसआर, चाइना, ये सब जो थे ये क्या कर रहे थे, आपके मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहे थे। इसी में यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब भी थे। तो इनका जीडीपी साइज़ अगर हम देखें तो जीडीपी साइज़ मित्र राष्ट्रों का बहुत ज़्यादा था। हालांकि बहुत लंबे समय तक जो धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली, जापान, इन्होंने इनको छका के रखा था, बहुत परेशान किया, बहुत हराया। और अंत में जब जापान पे यूएसए ने क्या कर दिया, जापान पे यूएसए ने परमाणु बम छोड़ा, तब जाके इस विश्व युद्ध का अंत हुआ, अदरवाइज स्थिति कुछ और हो सकती थी। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले युद्ध का प्रारंभ कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड ने क्या किया, जर्मनी पर आक्रमण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस जो थे उसने 3 तारीख को क्या कर दिया, 3 सितंबर को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि उन्होंने पोलैंड के साथ क्या किया था, रक्षा संधि की हुई थी। ये कुछ दिनों तक नकली युद्ध या फोनी वार चलने लगा। 1 सितंबर से लेकर 9 अप्रैल 1940 तक का जो समय था इसमें वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था, ऐसी डेमो टाइप का युद्ध हो रहा था। तो यहाँ तक का जो समय था उसको फोनी वार या नकली युद्ध बोलते हैं। 9 अप्रैल 1940 के बाद जर्मनी ने क्या किया, नॉर्वे और डेनमार्क पर आक्रमण कर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। इसी बीच जून 1940 में जर्मन सेना ने बेल्जियम, हॉलैंड और इसके साथ साथ फ्रांस को भी हथिया लिया। जर्मनी ने क्या किया, इंग्लैंड पे भी हमला किया, लेकिन इंग्लैंड के विरुद्ध क्या है वो सफल नहीं हो पाया और यहाँ पर वो उससे लड़ता रहा। जून 1941 आते आते जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया और उसके बड़े क्षेत्र पर हथियार आक्रमण करके हथिया लिया उसके बड़े क्षेत्र को। लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया, इस जर्मनी को मॉस्को की ओर जाने से रोक दिया और रोकने के बाद उसको वापस लौटने में मजबूर कर दिया। तो यहाँ से ही जो जर्मनी है उसका क्या है, हार की शुरुआत होगी, क्योंकि मॉस्को तक ये नहीं पहुँच पाया। और यहाँ एक्चुअल में इसने क्या किया था, जो इस समय रूस के प्रमुख थे उसने एक बहुत बढ़िया वो रणनीति अपनाया। उसने क्या किया, पूरा ये रूस था, रूस का जो आपको सर्बिया वाला एरिया है, साइबेरिया वाला जो एरिया है वो बहुत ठंडा क्षेत्र है, और बहुत ठंडा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उसने क्या किया, शरण ले ली वहाँ के प्रमुख ने, और इस पूरे बर्फ़ वाले क्षेत्र में जर्मन सेना को घुसने दिया। ये जर्मन सेना घुसते घुसते वहाँ तक पहुँच तो गई, लेकिन मॉस्को तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि यहाँ ठंडी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ की सेना जो है भूख के कारण, और यहाँ क्योंकि पूरा निर्जन था, इस कारण से यहाँ पर कुछ हासिल नहीं कर पाई और मरने लगी। और इसी कारण हिटलर का जो इस समय लगभग जर्मनी के पास 6 लाख सेनाएं थी और 6 लाख में से 5 लाख लोग जो है वो यहीं मर गए। तो ये सब कारणों से क्या हुआ, जो जर्मन है उसका पतन चालू हो गया यहीं से। आगे देखते हैं युद्ध का विस्तार कैसे होता है। 1941 से यूरोप के अतिरिक्त पूर्वी एशिया में भी जो युद्ध है वो चालू हो गया, क्योंकि ब्रिटेन की और बाकी जो देश हैं उनके ये उपनिवेश थे, तो इन लोगों ने भी अपने उपनिवेशों को चालू इसमें शामिल कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर जो कि एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था उस पर आक्रमण कर दिया, और यहीं से अमेरिका क्या होगा, इस युद्ध में शामिल होगा और जापान के विरुद्ध वो क्या करेगा, युद्ध करने लगेगा। तो यहाँ से पूरा जो विश्व युद्ध था उसका रुख बदल जाएगा। अमेरिका जो था ये अभी तक न्यूट्रल चल रहा था, उसने किसी का पक्ष नहीं लिया था, लेकिन जापान ने गलती कर दी कि उसके पर्ल हार्बर जो नौसैनिक अड्डा था उस पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद फिर अमेरिका को आ बैल मुझे मार के तर्ज पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया युद्ध पे आने के लिए। जापान ने शीघ्र ही इसके बाद वो और आगे बढ़ने लगा और मलाया, बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब पे अधिकार कर लिया। साथ ही साथ भारत के पास भी पहुंच गया था, क्योंकि बर्मा तक पहुंच गया था, और भारत पे भी जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ने लग गया था। हालांकि इस समय जापानी सेना और कुछ भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख जो थे उस समय सुभाष चंद्र बोस जी, वो इसका नेतृत्व करते हुए ला रहे थे, लेकिन भारतीय जो लोग थे, स्पेशली महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोगों को ये भय था कि कहीं हम ब्रिटिश सत्ता के विरोध में जापानी जो आक्रमण है उसको आमंत्रित ना कर दें, और हम एक शासक को हटा के दूसरा जो शासक है उसको आमंत्रित ना कर दें, इसलिए उन्होंने क्या है साथ नहीं दिया। और इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस को भारत की ओर से सहयोग नहीं मिला, और जब जापान हारा तो वो उनको वापस लौटना पड़ा, और इसी दौरान फ्लाइट में एक्सीडेंट होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी।
तो मॉस्को की ओर बढ़ने से रोकने के कारण क्या हुआ, जर्मनी ने सोवियत संघ के दक्षिणी भाग पे आक्रमण किया। अब दक्षिणी भाग में जब आक्रमण किया तो सितंबर 1942 में जर्मन सेनाएं स्टालिनग्राद तक पहुंच गई, लेकिन यहां पर जर्मनी हार गई। तो यहां से अब जर्मनी का हार चालू हो जाएगा। सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया जो कि जर्मनी के नियंत्रण में आ गए थे, जर्मनी ने इसको हराया हुआ था, तो सोवियत संघ ने इन क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद धीरे धीरे ये जर्मनी को हराने लगे। सोवियत संघ ने जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा फिर से खोला, ये फ्रांस के नॉर्मंडी से। तो फ्रांस के नॉर्मंडी से इसने अपना दूसरा मोर्चा खोला, क्योंकि अभी तक फ्रांस हार चुका था, जर्मनी के नियंत्रण में आ गया था। तो यहां पर से इसने सोवियत संघ ने दूसरा मोर्चा खोला फ्रांस के नॉर्मंडी से, और जर्मन सेना को दो मोर्चों पर इस कारण से लड़ना पड़ा, क्योंकि एक तो चेकोस्लोवाकिया वाले साइड से लड़ रहा था और दूसरे साइड से यहां फ्रांस के नॉर्मंडी साइड से लड़ रहा था, तो दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा और इस कारण से उसकी शक्ति कमजोर हो गई। इसी बीच में क्योंकि पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया, और शामिल होने के कारण धुरी राष्ट्र जो है उनकी शक्ति कमजोर हो गई और मित्र राष्ट्र की शक्ति बढ़ गई। इस और ये अंततः क्या करेगा, अमेरिका जापान पे परमाणु बम से हमला करेगा और इस पूरे विश्व युद्ध का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आगे देखें विश्व युद्ध का अंत कैसे होता है। 1944 में पराजित होकर इटली जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया, तो इटली जो एक प्रमुख राष्ट्र था उसका आत्मसमर्पण हो गया। उसके बाद फिर स्टालिनग्राद के युद्ध में जर्मनी को परास्त करके सोवियत सेना आगे बढ़ते हुए उसने बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी थी वहां तक कब्जा कर लिया, वहां तक पहुंच गए, और बाध्य होकर 7 मई 1945 को हिटलर ने भी क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो इटली और जर्मनी दो देश यहां खत्म हो गए। इसके बाद 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे क्या किया, परमाणु बम गिरा दिया और इस तरीके से इसको पूरी तरह से नष्ट करके जापान को भी आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। तो इस तरीके से तीन जो प्रमुख देश थे धुरी राष्ट्रों के समर्थक थे, उन राष्ट्रों को इन्होंने खत्म कर दिया और खत्म करके उनका आत्मसमर्पण करा के इस युद्ध का अंत किया। तो ये हिरोशिमा और नागासाकी का आपको सीन देखने को मिलेगा। आगे देखें अब वर्ल्ड वार का जो पूरा सिचुएशन था, पूरा सीनरी है मैप में हम देखते हैं। तो मैप में आपको यहाँ जो ब्लू कलर में दिखेगा ये वेस्टर्न एलाइज हैं, जो पश्चिमी देशों या पूंजीवादी देशों के समर्थक देश थे वो थे। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कनाडा तो शामिल है लेकिन अमेरिका शामिल नहीं है, है ना। ऐसे ही आपका कुछ कुछ और जो देश है, जो ब्राज़ील वाला जो एरिया है, ये वाला आपका साउथ अमेरिका, वो शामिल नहीं है, और काफ़ी जो देश हैं वो भी शामिल हुए हैं। जो रेड कलर में आपको दिखेगा ये सोवियत संघ और उसके अलाइड कंट्रीज़। तो ये जो आपका रेड कलर दिख रहा है ये सोवियत संघ है, ये सीधे सीधे क्योंकि जर्मनी बार बार रूस पे आक्रमण कर रहा था तो वो इसमें शामिल होगा। ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है वो एक्सिस या धुरी राष्ट्र है। तो आपका ये जर्मनी वाला एरिया, जर्मनी, इटली, इसके साथ साथ इटली अभी शामिल नहीं हुआ, इटली शामिल होगा। तो जर्मनी, इटली और इधर ये जापान, तो ये जो थे ये प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे धुरी राष्ट्रों का। तो ये हमारा 1939 सितंबर की स्थिति है। यहाँ पर अब कौन क्या करेगा, जर्मनी जो है वो पोलैंड पर आक्रमण करके विश्व युद्ध को शुरू करेगा। आगे देखते हैं दिसंबर 1939 आते आते, तो दिसंबर 1939 आते आते देखो सीनरी बदल जाती है। ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप वो शामिल हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाता है, भारत भी अब इसमें शामिल हो गया, कनाडा तो ऑलरेडी शामिल है अभी तक, लेकिन अमेरिका और ये जो है ये शामिल नहीं हुए हैं। आगे देखें अब यहाँ पर देखो दिसंबर 1940 आते आते जो धुरी राष्ट्र हैं उनका विजय का क्रम जारी रहता है, वो बहुत सारे क्षेत्रों पे अपना कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये पूरा का पूरा यूरोप जो लगभग है और ब्राज़ील का आधा हिस्सा, अफ्रीका का आधा हिस्सा इन्होंने कब्जा कर लिया। जापान भी जीते जीते जो आपका बर्मा वगैरह का एरिया है, मलाया, ये सबको जीते जीते इधर भी कब्जा करते हुए आ रहा है। तो ये बड़े क्षेत्रों पर ये क्या करने लगे, धीरे धीरे कब्जा करने लगे और जो मित्र राष्ट्र हैं उन लोगों को हराने लगे। आगे देखें दिसंबर 1941 आते आते ये क्रम लगभग वैसा ही था, बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान भी नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा इनको प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन अभी भी जो धुरी राष्ट्र हैं वो क्या है, सशक्त बने हुए हैं, बड़े बड़े एरियाज पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, बहुत सारे देशों को वो हरा दिए हैं। आगे देखते हैं 1942 आते आते, 1942 आते आते अब क्या है, जो धुरी राष्ट्र है वो कमज़ोर होने लगेगी, और कमज़ोर होने लगेगी तो इसका ये जर्मनी वाला, इटली वाला जो क्षेत्र है वो कम हो जाएगा, लेकिन जापान जो है, जापान की शक्ति बढ़ेगी और जापान बड़े क्षेत्र पे आक्रमण करके जीत हासिल करते जाएगा। 1943 की स्थिति देखें तो 1943 आते आते बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं बदली, लेकिन जर्मनी और इटली जो है वो कमज़ोर होने लगे थे। जापान ने भी बहुत सारे द्वीपों को हथियारा, बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पूरी तरह से अब वो सशक्त नहीं रह पाया था। 44 दिसंबर आते आते हम देखेंगे यहाँ पर आपको ये जो जर्मनी है, जर्मनी, इटली, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत छोटा सा क्षेत्र इनके पास बचेगा, जो पूरा इन्होंने इतना बड़ा एरिया कब्जा कर लिया था वो कब्जा जो एरिया है वो छूट जाएगा। जापान अभी भी उसी स्थिति पे है।
अब आते हैं हम लोग अगस्त 1945 की स्थिति में। तो अगस्त 1945 की स्थिति में आपका जर्मनी और इटली जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, और आत्मसमर्पण मई में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आत्मसमर्पण करने के बाद ये इनका जो है विलय सोवियत संघ के साथ और वेस्टर्न एलाइज के साथ हो गया। तो इस तरीके से ये क्या होगा, युद्ध में हार गए थे, लेकिन जापान अभी भी अड़ा हुआ है और जापान लड़ रहा है। जापान जो है वो सितंबर में हारेगा, अगस्त में हारेगा, 9 अगस्त और 6 अगस्त को। तो अगस्त में हारने के बाद अंतिम रूप से सितंबर 1945 को ये जर्मन और इटली वाला जो एरिया था वो भी खत्म हो गया, और जापान का जो नियंत्रण था वो भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से पूरा जो विश्व युद्ध है वो सितंबर 1945 आते आते समाप्त हो गया। तो ये आपने मैप में देखा किस तरीके से विश्व युद्ध की प्रगति हुई। सबसे पहले अब हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, इफेक्ट क्या क्या पड़े इसके। तो सबसे पहले धन जन का भीषण क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो कैसे नुकसान हुआ, दोनों पक्ष के लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों जो है वो मारे गए थे। ये इसमें सर्वाधिक संख्या जो थी वो सोवियतों की थी, सोवियत संघ जो था रूस उसके सबसे ज़्यादा लोग मरे थे। इसी में लाखों यहूदियों की हत्या, जर्मनी में लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। होलोकॉस्ट की घटना यहीं होती है। परमाणु बम से हिरोशिमा और नागासाकी जो थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, जापान नष्ट हो गया, और यहाँ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। औपनिवेशिक युग का अंत हो गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब जो यूरोपीय देश थे वो पूरी तरह से कमजोर हो गए, और कमजोर होने के कारण उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की लहर फैलने लगी और स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गए। और इसके बाद बहुत सारे जो देश थे अफ्रीका एशिया के देश जो थे वो आज़ाद हो गए, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, चीन, बर्मा, मलाया, ये सब अलग अलग होकर स्वतंत्र हो गए। फासीवादी शक्तियों का सफाया हो गया, जर्मन साम्राज्य का बड़ा भाग उससे छीन लिया गया, इटली भी अपने उसके जितने अफ्रीकी उपनिवेश थे वो सब उसको खोने पड़े, जापान को जो क्षेत्र उसने जीता हुआ था वो सब क्या किया उसको वापस करना पड़ा। अब इसके बाद विश्व राजनीति में इंग्लैंड की स्थिति कमजोर हो गई, और इंग्लैंड की स्थिति कमजोर होने के कारण सोवियत संघ और अमेरिका का जो है वर्चस्व वो बढ़ गया। तो विश्व राजनीति में ब्रिटेन का प्रभाव घटा, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस के स्थान पर अब नए जो शक्ति के रूप में उभरे वो थे सोवियत संघ और अमेरिका। ये अब दो गुट बनेंगे जिसका फिर लंबे समय तक टकराव, जो वैचारिक टकराव है वो चलते रहेगा, पूंजीवाद और समाजवाद के रूप में, और शीत युद्ध देखने को मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा मिलिट्री डेट्स ऑफ मेजर पावर्स, तो किन देशों का कितना डेट्स हुआ था। तो ये आपको जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है एलाइड पावर्स का है, मित्र राष्ट्रों का है, और ये जो रेड दिख रहा है वो एक्सिस पावर्स का है या आपके धुरी राष्ट्रों का है। तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ जो है यूएसएसआर से सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, यूएसएसआर, चाइना, ये सब देशों से सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई। और उसके बाद जो दूसरा क्रम था वो था जर्मनी और जापान का। तो यहाँ पर जर्मनी, जापान जो थे वहाँ ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, यूएसएसआर और चाइना के लोगों की ज़्यादा मृत्यु हुई, आपके बाकी जो कनाडा, यूएसए और यूके, फ्रांस, ये सब हैं वहाँ बहुत कम हुआ। इटली, क्योंकि इटली के लोग ही बहुत कम शामिल हुए थे इसलिए वहाँ भी कम लोगों की मृत्यु हुई। ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है वहाँ से भी कम लोगों की मृत्यु हुई। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड एरियाज थे वो ये वाले एरियाज थे, यूएसएसआर वाले एरिया, जर्मनी वाले एरिया, जापान और चाइना वाले एरिया। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। आगे हम देखें साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ, इसी बीच में परिणामों में आगे देख रहे हैं। तो सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ, पूर्वी यूरोप के अनेक देश जो हैं वो एशियाई देश जैसे कि चीन, उत्तर कोरिया, ये सब जो हैं वहाँ पर साम्यवाद का प्रसार हुआ, और साम्यवाद को लोगों ने स्वीकार किया और साम्यवादी देश बने, साम्यवादी सरकारें बनी। पूरा विश्व दो खोमों में बट गया, अमेरिका जो है वो पूंजीवाद का समर्थन करने लगा और सोवियत संघ जो है वो साम्यवाद का समर्थक था, और पूरा विश्व इन दोनों खेमों में बट गया। जो अमेरिका का साथ देता था या पूंजीवाद का समर्थन करता था उसको अमेरिका सहायता प्रदान करता था, और जो साम्यवाद का समर्थन करता था उसको सोवियत संघ सहायता प्रदान करता था। इस तरीके से पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया गया, दो अलग अलग खेमों में बट गया, और ये शीत युद्ध के रूप में आपको लड़ाई देखने को मिलेगी। गुट निरपेक्षता की नीति, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश जो आज़ाद हुए, जो स्पेशली जैसे भारत है, यहाँ आसपास के जो पाकिस्तान, ये सब जो देश हैं, कुछ कुछ देश हैं, तो ये सब जो देश हैं बेसिकली एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी जो देश हैं जो आज़ाद हुए, इन्होंने क्या किया, अपनी स्थिति को स्वतंत्र बनाया। ना ही वो पूंजीवाद को उन्होंने अपनाया, ना ही उन्होंने साम्यवाद को अपनाया, ना ही उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया और ना ही सोवियत संघ का, वो बीच में रहे। इसी बीच में रहने के कारण इन देशों को बाद में नुकसान भी हुआ, क्योंकि अगर वो कोई एक पक्ष पकड़ लेते तो दोनों में से कोई एक उनको सहायता करता, लेकिन इन्होंने किसी भी पक्ष को नहीं पकड़ा, इसलिए दोनों ने सहायता नहीं किया और ये देश पिछड़े रहे। भारत भी लंबे समय तक जो है पिछड़ा रहा, हालांकि बाद में 1990 में 91 में जब क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद भारत ने भी क्या कर दिया, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया और धीरे धीरे जो सहयोग है
वो अमेरिका का हमको मिलने लगा। इसके बाद फिर जर्मनी का विघटन हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी जिसका संरक्षण इंग्लैंड अमेरिका और फ्रांस को दिया गया और पूर्वी जर्मनी जिसका संरक्षण सोवियत संघ को दिया गया में इसको तोड़ दिया गया और इसके बीच में बर्लिन की एक दीवार बना दी गई। तो जर्मनी जो था इस पूरे जर्मनी को दो पार्ट में तोड़ दिया गया, ये पूरा जर्मनी, जर्मनी का एक ईस्टर्न जर्मनी और एक वेस्टर्न जर्मनी, दो जर्मनी में इसको तोड़ दिए। हालांकि इसका जो है एकीकरण फिर से बाद में हो गया, जर्मनी का फिर से इस बर्लिन की दीवार को तोड़ के पुनः एकीकरण हो गया। तो जर्मनी को यहाँ फिर से तोड़ने की कोशिश की गई या बर्बाद करने की कोशिश की गई, दो पार्ट में बांटा गया। जो पश्चिम जर्मनी थी उसको इंग्लैंड अमेरिका और फ्रांस के नियंत्रण में दिया गया, पूरी तरह से नियंत्रण नहीं उसके संरक्षण में दिया गया, और पूर्वी जर्मनी को सोवियत संघ के संरक्षण में दिया गया। आगे देखें वैज्ञानिक प्रगति, तो वैज्ञानिक प्रगति इसमें काफ़ी कुछ हुई। एक तो प्राकृतिक रबर के स्थान पर अब कृत्रिम रबर का आविष्कार हो गया, इसी बीच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेनिसिलिन की खोज हो गई, रक्त से प्लाज्मा निकालने की विधि की खोज हो गई। इन कारणों से क्या हुआ, घाव और जो संक्रमण है उन सबसे होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी आ गई। सैन्य क्षेत्र में युद्ध के लिए बम वर्षक विमान, जेट इंजन, रॉकेट, ये सब का निर्माण हुआ। रडार का विकास इसी समय हुआ, परमाणु बम का विकास इसी समय हुआ और जिसका उपयोग अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध में किया था। इसी बीच में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाती है। तो विश्व शांति के उद्देश्य से अमेरिका के पहल पे 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है और ये आज तक काम कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है विश्व शांति में, इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। इसी बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। शीत युद्ध बेसिकली क्या है, ये अमेरिकी पक्ष और सोवियत संघ का जो पक्ष था इनके बीच में ये एक वैचारिक मतभेद है साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में। तो इन सब में, इन घटनाओं के बीच में जो प्रतिरक्षा संगठन है या प्रतिरक्षा दल है उस रूप में नाटो, जो कि अमेरिका और मित्र राष्ट्रों का क्या है, एक पुलिस दल जैसा है, प्रतिरक्षा संगठन है, और वैसे उसी के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ में वारसा नाम का एक प्रतिरक्षा दल का गठन हो गया। तो ये दोनों परस्पर लड़ते रहे जब तक ये सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया 1991 तक, तब तक ये क्या है इनके बीच में कोल्ड वार चलते रहा। भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा इसका, तो भारत में ब्रिटेन जो है उसने क्या किया, भारत को युद्ध में प्रवेश करा दिया 1939 में। इसके कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया और सरकार से त्यागपत्र दे दिया 1939 में ही। इसी बीच में आज़ाद हिंद फौज का गठन हो जाता है 1943 में जापान सिंगापुर में। तो इस तरीके से आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने उनका नेतृत्व किया और वो धीरे धीरे लड़ते हुए बर्मा, अंडमान निकोबार ये सबको कब्जाते हुए आ रहे थे। इसी बीच में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने भारत का समर्थन हासिल करने के लिए अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन को यहाँ भेजा, हालांकि ये दोनों असफल हो गए। और असफल होने के कारण फिर क्या हुआ, भारत में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला और ये धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ के अंततः स्वतंत्रता भारत को 1947 में हासिल हो गई। इसी प्रकार चीन में इफेक्ट देखेंगे तो जापान का इस समय क्या हुआ था, चीन पर नियंत्रण था 1937 से, जापान ने चीन पर, चीन के मंचूरिया वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था और बहुत सारे चीन के एरिया को इसने जीत दिया था। तो जापान का यहाँ नियंत्रण था। युद्ध में जापान 1945 में हार गया और हारने के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो आत्मसमर्पण करने के बाद जो जापान का जीता हुआ क्षेत्र था, अधीनस्थ क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए साम्यवादी दल और राष्ट्रवादी दल के बीच में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में साम्यवादी जो थे वो सफल हुए और अंततः माओसे तुंग के नेतृत्व में यह साम्यवादी सरकार का गठन हुआ और जो चीन है वो साम्यवादी बना और भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर एक गुटनिरपेक्ष देश के रूप में उभरा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए या कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो पाए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।